Hello dear students, what's going on? Hope everything will be fine. This is virtual video session of MRM Public School Class 8 for subject English Grammar. Chapter 1 Introduction. By the way, myself MD Asif. Let's start. Your English grammar book name is Effective English Grammar. And our chapter 1 is Introduction in Hindi Parichay. तो इस चैप्टर में हम ग्रामर का कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको जैसे ग्रामर की दी गई है, अल्फाबेट के अबाउट में बताया गया, वोवेल कॉन्सोनेंट है, वर्ड्स एंड स्पेलिंग है, तो इसको हम देखते हैं। चलिए लेट्स सी वन बाय वन। इन ग्रामर वी लर्न अ सिस्टम और रूल्स दैट डिफाइंस द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज। इन ग्रामर वी लर्न अ सिस्टम ऑफ रूल्स दैट डिफाइंस द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज। ग्रामर में हम एक ऐसे सिस्टम ऑफ रूल्स को सीखते हैं जो कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज की, जैसा हम यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं वो रूल, उन्हीं को हम ग्रामर के अंदर एक सिस्टम बनाते हैं, इसी सिस्टम को ग्रामर बोलते हैं। ग्रामर इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स दैट डिफाइंस द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज। ओके, सो सभी लोग इस ग्रामर की डेफिनेशन को लर्न करेंगे, लिखने के बाद राइट करेंगे फिर लर्न करेंगे। लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, वर्णमाला के अक्षर। देर आर 26 लेटर्स टू द इंग्लिश अल्फाबेट विद टू ऑफ देम विद टू टाइप्स ऑफ लेटर ए एंड आई देमसेल्व्स आल्सो कॉन्स्टिट्यूटिंग वर्ड। तो इंग्लिश अल्फाबेट में हम जानते हैं बेसिकली बचपन से पढ़ाया जाता है ए टू जेड 26 लेटर होते हैं, लेकिन एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मालूम होगी, नहीं हो तो बता दी जा रही है, यहाँ पर दी गई है विद टू ऑफ लेटर्स ए एंड आई देमसेल्व्स आल्सो constituting words। इसमें दो लेटर ऐसे हैं जैसे कि ए और आई, वो आपस में खुद में ही एक वर्ड है, जैसे ए की हिंदी एक होती है, आई की हिंदी मैं होती है, आप पढ़े होंगे, तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि 26 लेटर अल्फाबेट में होते हैं जिसमें से 21 consonants होते हैं और 5 vowels होते हैं, और ए और आई दो ऐसे लेटर हैं जो themselves खुद में ही एक वर्ड होते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। vowels and consonants। Vowel, a vowel is a sound produced with the comparatively open configuration of vocal tract. They are 5 in number, A, E, I, O, U. So vowel ऐसे sound produce करते हैं जो कि comparatively open configuration of vocal tract, यानी कि vocal tract से खुली हुई आवाज आती है, और vowel 5 होते हैं, आपको basically ये ध्यान रखना है A, E, I, O, U. तो vowel को हम खुद से ही उनके प्रोनंसिएशन के लिए किसी दूसरे लेटर की जरूरत नहीं पड़ती, जो वॉवेल होते हैं वो खुद से ही वोकल ट्रैक से ओपन कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं उनका साउंड, जैसे ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल्स होते हैं। इन केस ऑफ कॉन्सोनेंट्स, अ कॉन्सोनेंट इज अ स्पीच साउंड दैट इज नॉट अ वॉवेल। तो कॉन्सोनेंट एक ऐसा स्पीच साउंड होता है जो कि वॉवेल नहीं होता। द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय पार्शियल और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द स्पीच ऑर्गन। तो जो वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं इनका प्रोनंसिएशन कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन या पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्पीच ऑर्गन के थ्रू होता है, यानी कि स्पीच ऑर्गन को हमको थोड़ा सा ऑब्स्ट्रैक्ट करना होगा, थोड़ा सा तोड़ना मरोड़ना होगा, और वॉवेल की हेल्प लेनी पड़ेगी, तब हम कॉन्सोनेंट का साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। और कॉन्सोनेंट 21 इन नंबर होते हैं, दे आर 21 इन नंबर, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. ये consonants होते हैं 21. So, आप vowel की definition note करेंगे, consonant की definition note करेंगे और learn करेंगे सभी लोग। यहाँ पर कुछ info pack दिया गया है, उसको मैं देख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। Sometimes, Y can also function as a vowel, but it is not considered as a vowel in and of itself. For example, gym, my, cycle, बेबी, हेयरी, स्काई। तो एक बात बताई जा रही है कि वाई को भी हम कभी कभी वॉवेल में कंसिडर करते हैं, लेकिन इसको कंप्लीट वॉवेल नहीं कंसिडर किया जाता, जैसे कि जिम हो गया, माई हो गया, साइकिल हो गया, बेबी हो गया, हेयरी हो गया और स्काई, यहाँ पर ये कुछ वाई एज अ फंक्शन ऑफ वॉवेल का कर रहा है। वर्ड्स एंड स्पेलिंग, अ वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर अरेंज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर टू गिव अ सर्टेन मीनिंग। तो वर्ड जो होता है ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर होता है जो कि पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होते हैं और एक सर्टेन मीनिंग देते हैं। तो आप वर्ड की भी डेफिनेशन नोट करेंगे यहाँ से। द वे लेटर्स आर अरेंज इन अ वर्ड इज कॉल्ड स्पेलिंग। और जिस वे से हम लेटर को अरेंज करते हैं किसी वर्ड के अंदर, वो ऑर्डर ही उस
वर्ड की स्पेलिंग कहलाती है, ठीक है। यानी कि जैसे एप्पल हो गया, तो एप्पल में पहले हम ए राइट करते हैं, फिर पी पी लिखते हैं, फिर एल ई लिखते हैं, तो ये इसकी स्पेलिंग हो गई एप्पल वर्ड की। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लैंग्वेज, यानी कि स्पेलिंग जो होता है ये लैंग्वेज का इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एवरी केयर शुड बी एक्सरसाइज इन इट, यानी कि हमें स्पेलिंग पर ध्यान देना चाहिए। इज इट मे बी रिजल्ट इन टू रॉन्ग वर्ड और नॉन वर्ड फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्पेलिंग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ये कोई रॉन्ग वर्ड बन जाएगा अगर स्पेलिंग सही नहीं होगी, या फिर कोई नॉन वर्ड बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा जो वर्ड होता ही नहीं है। जैसे ओ एल डब्ल्यू यहाँ पर आपको दिया गया है, तीन लेटर इसको हम अरेंज कर रहे हैं, ओ डब्ल्यू एल, तो आउल हो गया, एल ओ डब्ल्यू लो हो गया, लेकिन डब्ल्यू ओ एल हो गया और डब्ल्यू एल लो, तो ये ढेर सारे अरेंजमेंट है, लेकिन इसमें से दो वर्ड की मीनिंग हमको पता है, जैसे आउल और लो, तो ये सही वर्ड है। इन दिस एग्जाम्पल वी हैड अरेंज थ्री लेटर्स इन डिफरेंट वे एंड यू कैन सी द रिजल्ट, तो ये एग्जाम्पल में आपने तीन लेटर को अलग अलग तरीके से अरेंज किया है, चार तरीके से। अब ऑल अरेंजमेंट ओनली आउल एंड लो आर मीनिंगफुल वर्ड्स, इन जो चार वर्ड्स जो अरेंजमेंट हमने बनाया उसमें से केवल दो वर्ड ही मीनिंगफुल हैं, व्हाइल डब्ल्यू एल ओ इज एन एब्रीविएशन एंड डब्ल्यू ओ एल हैज नो सेंस। डब्ल्यू एल ओ एक एब्रीविएशन, एक संक्षिप्त फॉर्म है, जबकि डब्ल्यू ओ एल कोई मतलब ही नहीं है डब्ल्यू ओ एल का। सो एवरी स्टूडेंट राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ ग्रामर एंड वॉवेल कॉन्सोनेंट वर्ड्स एंड स्पेलिंग, ये सभी डेफिनेशन को आप वन बाई वन करके लिखेंगे एंड लर्न करेंगे, ओके। सो एवरी स्टूडेंट राइट डाउन एंड लर्न, फोकस ऑन लर्निंग, सभी लोगों का ध्यान लर्निंग पर होना चाहिए, हैंड राइटिंग इम्प्रूव करिए, राइट करिए और लर्निंग पर ध्यान दीजिए, ओके। सो थैंक यू वेरी मच।